वीडियो में बात करने जा रहे हैं बिहार में SAT की परीक्षा के इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपको बता दें यहाँ पर कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आपको जानकारी के लिए बता दें कि 32,000 पदों पर शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इस पदों पर बहाली करने के बाद सरकार SAT परीक्षा का आयोजन करेगी। जी हाँ, आपको बता दें SAT का एग्जाम हो सकता है 2019 में हो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 2020 में हो, क्योंकि एक ब्रेकिंग न्यूज आ चुका है। आज का एक न्यूज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, विभाग ने माध्यमिक और प्लस टू विद्यालयों में शिक्षकों की 32,000 रिक्त पदों पर बहाली की प्रक्रिया आरंभ कर दी है और इसके तहत जो है 14 जून को अभ्यर्थियों की मेगा सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। यह है कि सुप्रीम कोर्ट से समान काम के बदले समान वेतन मामले पर फैसला आ जाने के बाद बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया दोबारा से शुरू हो चुकी है, नियोजन की प्रक्रिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि SAT में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी और इसके बाद नियोजन के बाद जो भी पद खाली बचेंगे उसके लिए फिर से SAT ली जाएगी। जी हाँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी सीटें खाली रह जाएगी इन पदों को भरने के लिए दोबारा से SAT का एग्जाम लिया जाएगा। तो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी कहा जा सकता है जो SAT की परीक्षा का इंतजार कर रहे थे। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के प्रवक्ता अमित कुमार के मुताबिक आगामी 17 से 21 जून तक नियोजन इकाइयों में मेगा सूची के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र का जो है सत्यापन और मिलान होगा, उसके बाद फाइनली 24 जून को जिला परिषद एवं शहरी निकाय द्वारा मेगा सूची का अनुमोदन किया जाएगा। कुल मिलाकर SAT की परीक्षा का आयोजन जो है इसी वर्ष हो सकता है। साथ ही आपको बता दें कि 25 जून को नियोजन इकाइयों द्वारा मेगा सूची को सार्वजनिक किया जाएगा। तो ये जो है 32,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया जो है पूरी हो जाने के बाद जो भी सीटें खाली रह जाएगी इन सीटों पर SAT 2019 या फिर 20 में करा करके जो है इन सीटों को भी खाली पड़ी सीटों को भरा जाएगा। तो इस अपडेट में बस